मिशन लाइफ के तहत चतरा में निकाली गई साइकिल रैली, पर्यावरण को बचाने और स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। SPDFO DDC समेत अन्य पदाधिकारी हुए शामिल। चतरा में मिशन लाइफ के तहत साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व SP राकेश रंजन कर रहे थे, जिसमें जिले के बड़े अधिकारियों से लेकर स्कूली छात्र और आम शहरवासियों ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से लोगों को अपनी लाइफ को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से पानी को संरक्षित करने, पेड़ पौधे लगाने और अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के साथ साथ इस भाग दौड़ की जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज का प्रयोग करने सहित अन्य जानकारी लोगों को दी गई। साइकिल रैली पोस्ट ऑफिस चौक से निकलकर हेरुआ मंदिर परिसर पहुंची, जहां उपस्थित अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया और मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। मौके पर DFO राहुल मीना, DDC उत्कर्ष गुप्ता, DRDA डायरेक्टर अरुण कुमार इक्का, नगर पालिका पदाधिकारी अभय कुमार झा सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मिशन लाइफ के तहत हम लोग ने एक जागरूकता साइकिल रैली निकाली, उसके बाद हम लोग ने हेरुआ डैम के स्थल पे श्रमदान किया और प्लांटेशन किया। ये जो मिशन है, ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा COP 2021 में ग्लासगो में शुरू किया गया था। उसके तहत 7 थीम के तहत 75 एक्शन पॉइंट, उसी के तहत जो हम लोग सस्टेनेबल चीज़ें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला सकते हैं उसी पे चर्चा करते हैं, जैसे पानी बचाना, एनर्जी बचाना, खान पान में हमारे बदलाव करना और काफ़ी अन्य चीज़ें हैं। तो आज की इस रैली में मैं सर्वप्रथम DFO साहब को आमंत्रित करता हूँ कि साथ जो हमारे साथ हिंदू हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो आज का जो ये प्रोग्राम है, ये जैसे डी साहब ने बताया कि ये मिशन लाइफ के तहत किया जा रहा है, इसमें मेनली 7 जो थीम है वो है, एक तो है सेव एनर्जी, कि ऊर्जा को कैसे बचाएं, पानी को कैसे बचाएं और किस तरह से आपका जो फूड हैबिट्स हैं वो सस्टेनेबल हो, आपका क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल है वो किस तरह से हेल्दी रहे, इसमें योगा है आपका, मोटा अनाज खाना, ताकि हमारा जो पर्यावरण पर बीमार पड़ते तो हमारा जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वो कम से कम पड़े। आपका जो ई वेस्ट होता है, मोबाइल वगैरह होता है, उसको किस तरह से आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिस्पोज ऑफ करना, आपको कम से कम जो भी डिस्पोजेबल जो आइटम्स होते हैं इसमें उसको सस्टेनेबली यूज करना, जिस तरह से क्लाउड स्टोरेज का यूज करना पेन ड्राइव के बजाय, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं। और इसमें जो 75 एक्शन पॉइंट हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत तौर पे तथा सामुदायिक तौर पे आपको एक्शन लेने हैं, ताकि जो हमारा जीवन है वो किस तरह से पर्यावरण के अनुकूल हो और तथा उसको उसकी तरफ उन्मुख करना है, ताकि जो पर्यावरण पर जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव पड़ता है वो कम से कम पड़े। इसके द्वारा हम एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ हम जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक बेहतर कल दे सकते हैं तथा जो हमारी पृथ्वी है उसकी हम बेहतर सेवा कर सकते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंक कोर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।